राजस्थान पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। आखिर आए भी क्यों ना, आदेश भी पुलिस मुख्यालय ने दिए हैं। ऐसे में पुलिस फिलहाल प्रदेश में नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। राजस्थान प्रदेश पुलिस इन दिनों पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश में गत 15 मई से नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सांचौर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर थाना करड़ा अंतर्गत दाता गांव में के रहने वाले मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त दो सगे तस्कर भाइयों को इस संपत्ति को फ्रीज कर नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं। पुलिस ने इनके दो आलिशान मकान एवं 744 ग्राम सोने के आभूषण भी फ्रीज किए हैं, जिसकी कीमत मार्केट में करीब 1.5 करोड़ रुपए है। जिला SP सांचौर हरिशंकर ने बताया कि दाता गांव निवासी भूता राम उर्फ भभूता राम बिश्नोई एवं उसका भाई जेता राम बिश्नोई मादक पदार्थ के बड़े तस्कर हैं। भूता राम के विरुद्ध पंजाब के पटियाला जिले में थाना बस्सेवाला सांचौर तथा थाना करड़ा में 7 व जेता राम के विरुद्ध सांचौर करड़ा एवं सिरोही के मंडल थाने में 5 मामले NDPS एक्ट में राजस्थान आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। SP हरिशंकर शर्मा ने बताया कि दोनों तस्कर भाइयों ने मादक पदार्थों की तस्करी की काली कमाई से अपने गांव में अलग अलग अपने आलिशान मकान बना रखे हैं। तत्कालीन SP सागर राणा एवं अनुसंधान अधिकारी थाना करड़ा बाबूलाल द्वारा इन तस्करों की अनैतिक तरीके से अर्जित कर कमाई हुई संपत्ति का ब्यौरा तैयार करके उसे चिन्हित कर NDPS एक्ट की धारा 68F(1) के तहत फ्रीज करवाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सक्षम प्राधिकरण को फ्रीजिंग की कार्रवाई के आदेश के लिए लिखा गया था। पूर्व में की गई कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वर्तमान SHO करड़ा दीप सिंह को विशेष दिशा निर्देश दिए थे। अथक प्रयासों के बाद भारत सरकार के सक्षम प्राधिकरण से इनकी संपत्ति फ्रीज करने के आदेश पुलिस को मिले। इसी सिलसिले में इनकी संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई मंगलवार को अंजाम दी गई। ऐसी ही अन्य खबरों के साथ आप लगातार आप बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। नमस्कार।